फोर्थ क्लास हमने मैथ की अपनी एक्सरसाइज 2C स्टार्ट करी थी और आज हमने करना थर्ड सम राउंड ऑफ द नंबर्स टू द नियरेस्ट 108। जो भी ये नंबर आपको गिवन है इनको पहले 100 प्लेस पे आपने क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। उसके बाद दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना। अब हम ये देखेंगे सम हमने करने कैसे है, ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट नंबर है 19025, तो इसमें आपने क्या देखना, जब भी आपने 100 वाला देखना है ना, 100 वाले डिजिट पे आपने राउंड ऑफ करना, ठीक है। उन्होंने बोला ना राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100, तो आपने उसके साथ वाला राइट हैंड वाली साइड वाला नंबर देखना है। राइट हैंड वाली साइड वाला कौन सा नंबर हुआ, 10th प्लेस, तो उसमें आपने कौन सी प्लेस देखनी है, 10th प्लेस देखनी है। जब आपको 10th बोलेंगे तो उसके राइट वाली साइड आपने देखना, 1st प्लेस आप देखोगे। जैसे यहाँ पे राइट हैंड वाली साइड आपके 100 प्लेस पे कौन सा है, 0 है, तो उसके साथ वाली कौन सी 10th प्लेस हम इसमें देखेंगे। 10th प्लेस का डिजिट क्या है, इसमें 2 है, 2 5 से आपका स्मॉल है, तो ये नंबर कहाँ पे राउंड ऑफ हो जाना है, 19, ठीक है। यहाँ पे 0 है, तो अगर ये 5 से बड़ा होता, ठीक है, जैसे 2 है, ये 5 से छोटा है, तो हमने इसकी जगह पे क्या लगा देना, 0, और 5 की प्लेस पे भी क्या लगा देना, 0 यहाँ पे, तो पहले से 0 है आपका। अब नेक्स्ट देखो 26120, इसके जो 10th प्लेस है, 2 है ना 10th प्लेस पे, तो वो 5 से कम है, तो इसको आपने कहाँ पे राउंड ऑफ करना है, कि अगर ये कम होता है तो हम क्या लिख देते हैं, इस उस प्लेस की, उस डिजिट की प्लेस पे क्या लिख देते हो, जगह पे क्या लिख देते हो, 0, ठीक है। जैसे 2 की जगह पे क्या आ गया आपका, 0, उसके बाद वाले जितने भी नंबर वहाँ पे 0 0 लगा देते हो, और 1 भी आपका एज इट इज ही आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे 100 की फॉर्म में आ गया। अब इन दोनों को, ठीक है, इसकी प्लेस पे आप क्या लिखोगे, ये वाला 19000 वाला नंबर, इसकी प्लेस पे क्या लिखोगे 26, इसकी प्लेस पे क्या लिखोगे 26100, तो इन दोनों को क्या कर देना आपने, प्लस कर देना। अब ऐसे आप एक सम और देख लो, कि जैसे ये नंबर आपको गिवन है सी पार्ट में, ठीक है, तो उसमें 10th प्लेस आप देखो, 10th प्लेस पे 6 है, 6 हमें पता 5 से बड़ा है, दो चीज़ 5 से बड़ी होती है, तो क्या करते हो 100 प्लेस पे क्या कर देना आपने, प्लस कर देना। मतलब 2 में क्या कर दोगे, 1 को प्लस कर दोगे, तो 2 की प्लेस पे क्या बन जाना आपका, 3, और 6 की प्लेस पे क्या आ जाना, 0, और 7 की प्लेस पे भी क्या आ जाना है, 0 आ जाना आपका। ऐसे जो आपका नेक्स्ट नंबर है उसमें देखो 1 की, 1 है ना 10th प्लेस वाला, तो 1 तो 5 से स्मॉल है, इसीलिए हमने 9 को यहाँ पे चेंज नहीं किया, और 9 एज इट इज, उसके बाद दोनों क्या आ गया आपके, 0। अब इन दोनों नंबर्स की प्लेस पे जिस पे आपने राउंड ऑफ इसको किया और इसको किया, ठीक है, वो नंबर लिख लो, उन दोनों को ऐड कर दो। नेक्स्ट आपका फोर्थ सम भी ऐसे ही है। फोर्थ सम में आपने 1000 पे राउंड ऑफ करना है। जब 1000 की टर्न आए तो हमने कौन सा डिजिट देखना, 100 वाला देखेंगे ना। जब 1000 की बारी आई तो उसके राइट हैंड वाली साइड कौन सी प्लेस होती है, 100, तो यहाँ पे हम 100 वाला देखेंगे। अब यहाँ पे क्या 100 वाली कौन सी प्लेस है, 1 10 100 2, तो यहाँ पे हम 2 देखेंगे, जो 2 है वो 5 से स्मॉल है, तो इसीलिए हमने 2 की प्लेस पे क्या लिख दिया। अब 1000 वाली प्लेस पे कोई ऐड तो नहीं करेंगे, 1 में कुछ ऐड नहीं करेंगे ना, तो 1 की जगह पे क्या आ जाएगा, एज इट इज़ 1 ही आ जाएगा। 2 की प्लेस पे भी 0, उसके बाद जितने भी नंबर उसके प्लेस पे आप 0 लगा देते हो। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 है, जो 9 5 से बड़ा है। अब जब 9 5 से बड़ा, तो जो 1000 वाली प्लेस हमने राउंड ऑफ 1000 को करना, जो 1000 वाली प्लेस होती है उसमें आपने क्या करना है, 1 को ऐड कर देना। अब 0 में अगर आप 1 को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, 21 आपने लिख दिया, बाद में सारी 0 आ जाएगी आपकी, तो इन दोनों का आपने क्या कर देना है, प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाना यहाँ पे।